यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बड़ा प्यारा सा यूनिक सा हेयर स्टाइल लेकर आई हूँ, जो कि बहुत इजी टेक्निक्स के साथ मैं आपको सिखाऊंगी। चलें अब हम बनाते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले तो हम लोग पार्टीशन करेंगे, एयर टू एयर पार्टीशन करेंगे। मैंने आप लोग को ये बात पहले भी बताई थी कि अगर हम पार्टीशन कर लेते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है हेयर स्टाइल बनाना। हमने पार्टीशन कर लिया, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरीके से पार्टीशन किया है। बहुत ईजी आपने वर्किंग करनी है अपने लिए, ठीक है। पार्टिंग करने से क्या होता है, हमें ईजी हो जाता है। तो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं हमने पार्टिंग कर ली है इस तरीके से, एयर टू एयर हमने दोनों साइड से पार्टिंग कर ली है। अब हमने सबसे पहले तो बैक से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने एक सिंपल पोनी बनानी है, ठीक है। मीडियम जो है आपने उसको रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना, ठीक है। सेंटर में आपने इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आपने, ठीक है, हम सिंपल पोनी बनाएंगे, डोनट एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने डोनट एडजस्ट करना है। ये बहुत सिंपल और बड़ा खूबसूरत सा जुड़ा मैं आप लोग को बता रही हूँ। अच्छा, पहले तो हम लोग पीछे को छोड़ देंगे, हम फ्रंट पे बनाएंगे, इसकी वजह भी मैं आप लोग को बताऊँगी, ठीक है, बाद में। सबसे पहले तो हमने फ्रंट पार्टीशन करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने सेक्शन लेना है, आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से सेक्शन ले रही हूँ। इस तरीके से आपने सेक्शन लेके इसको इनर साइड पर बैकवॉर्म करना है, ठीक है, इनर साइड पर, ठीक है। इनर साइड पर मेरी बैकवॉर्मिंग हो चुकी है। इस तरीके से मैंने फ्रंट के साथ मैंने बैक का सेक्शन लेना है और इस तरीके से ही मैंने बैकवॉर्मिंग करनी है, ठीक है। अच्छी सी आपने लूज बैकवॉर्मिंग करनी है, बहुत ज़्यादा हार्श बैकवॉर्म नहीं करना, ठीक है। इस तरीके से आपने हाइट देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से लाइन टू लाइन आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। इस तरीके से बैकवॉर्म करके आपने पार्टीशन कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से लाइन टू लाइन आपने बैकवॉर्मिंग करनी है, ठीक है। इनर साइड पे आपने बैकवॉर्म करना है। सेटिंग आप देखते जाएँ किस तरीके से बैकवॉर्मिंग की हो रही है। देन आपने इसको इस तरीके से उठाना है, ठीक है। इस तरीके से उठा के आपने सेक्शन कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसकी सेटिंग करनी है, इस तरीके से एडजस्टमेंट आप लाइन टू लाइन करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आपने सेक्शन लेते जाना है और एडजस्टमेंट करती जाना है। लाइट से इस तरीके से ट्विस्ट करके आप एडजस्ट करेंगी, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके चलें फिर इस तरीके से आपने लाइन टू लाइन आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको एडजस्ट किया है और कितना खूबसूरत लुक आ रहा है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हमने इस तरीके से बेस बना ली है, ठीक है। बेस बनाने के बाद हमने क्या करना है, हमने फ्रंट पर आना है। फ्रंट पे हमने सेक्शन की एडजस्टमेंट कैसे करनी है, यहाँ से हमें आपने थोड़ी सी इधर से और हेयर्स को लेना है, ठीक है, पार्टिंग को इस तरीके से करके। और आपने इसको जो बैकवॉर्म हमने किया था उसके साथ लाइट सी बैकवॉर्म थोड़ा सा और कर देंगे ताकि हमारी रूट्स पे हाइट आ जाए, ठीक है। इस तरीके से आने के बाद आपने इसको लाइन टू लाइन एडजस्ट करना है। किस तरीके से करेंगे आप लोग, इस तरीके से सेक्शन लिया आपने, इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है, ठीक है। पेंस हम करते जाएंगे लाइन टू लाइन, ये लाइन्स वाला हमारा हेयर स्टाइल ब्राइडल बनेगा। मॉडल लुक में भी हम इसको दे सकते हैं, मॉडल हेयर स्टाइलिंग में भी बहुत स्मार्ट लुक देता है। तरीके से आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, फिनिशिंग के साथ वर्किंग करनी है आपने, ठीक है। इस तरीके से आप लाइन टू लाइन इसको रखते जाएंगे और लुक क्रिएट करते जाएंगे पूरा, ठीक है, इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसकी सेटिंग एडजस्टमेंट कर रही हूँ, ठीक है। अब हमने ये यहाँ पे लाइंस क्रिएट कर लिए हैं थोड़ी सी, अब हमने इसको और यहाँ पे भी इसकी सेटिंग देने के लिए पहले तो हमने एक लट भी निकाली, क्योंकि आपको पता है लटे जो होती हैं वो बड़ा अच्छा लुक दे रही होती हैं। अगर हम इसको कर्ल करके रखेंगे तो वो बहुत स्मार्ट लुक दे रहा होता है, ठीक है। फेस कॉन्टोर भी होता है बहुत ज़्यादा उससे। इस तरीके से आपने देखा मैंने इसको फ्रंट की साइड पर इस तरीके से स्ट्रेच करा, देन मैंने उसको इस तरीके से इसको यहाँ पर होल्ड करना है और सेटिंग करते हुए इसका कि प्रॉपर एक शेप आना चाहिए, इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी ये वाली साइड कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारी ये वाली साइड हमने इस पर लाइट से बैकवॉर्म करनी है और हमने फ्रेंच स्टार्ट करनी है इस साइड से, ठीक है। फ्रेंच बनाएंगे हम यहाँ पर, इस तरीके से हमने फ्रेंच बनानी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मैंने सेक्शन किस तरीके से लिया है, इस तरीके से हमने सेक्शन को लेते हुए ब्रेड बनानी है, ठीक है, इस तरीके से।
ये इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आपने वैक्यूमिंग करके ब्रेड बनानी है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको पीछे तक पूरा लेकर जाऊंगी, पूरी मैंने इसको पीछे तक लुक देना है। जितनी अच्छी लुक क्रिएट आप करेंगे उतना फाइनल लुक में लुक जो है वो अच्छा आएगा। हमने इसको स्ट्रेच किया है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेच करके जहाँ से डिसबैलेंस है उसको आपने बैलेंस करना है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। अच्छा, मेरे पास जो ये यहाँ के हेयर्स थे मैंने इसको लाइट से ट्विस्ट करके इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं दोनों जूड़ा पिन की हेल्प से इसको इनर साइड पे इस तरीके से फिक्स कर दूंगी। ठीक है, अब ये मेरा फिक्स हो गया। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, हमने दो फ्रेंच बनानी है। ठीक है, सिंपल हमने इस तरीके से पार्टिंग करके, ठीक है, थ्री सेक्शंस में हमने सिंपल ब्रेड बनानी है। ठीक है, सिंपल हमने फ्रेंच बनानी है इस तरीके से। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं लूज़ लूज़ करके बना रही हूँ मैं। फिर हमने इसकी एडजस्टमेंट करनी है, वो एडजस्टमेंट हम पहले इसको मैसी करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको मैसी करना है एंड देन हमने इसको इस तरीके से डोनट के ऊपर एडजस्ट करना है। इस तरीके से हमने डोनट में इसको एडजस्ट कर दिया है। ये वाली साइड से भी हम बनाएंगे इस तरीके से, हमने इस साइड को भी इधर से भी हमने जैसे हमने इसको फिक्स किया था ऊपर इस तरीके से हमने इसको भी फिक्स करना है। ठीक है, इस तरीके से जुड़ा पेंस की हेल्प से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सो व्यूअर्स, हमारा हेयर स्टाइल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत इजी मैंने आप लोग को बताया है बहुत ज़्यादा कि आप किस तरीके से एक हैवी लुक दे सकते हैं ईजी टेक्निक्स के साथ, किस तरीके से लेयर्स आप लोग दे सकते हैं। आज का आपको मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।